हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब, बताइए। आज लॉकडाउन के तो मज़े ले ही रहे हैं, लॉकडाउन तो अब ख़त्म भी हो गया है, बट हाँ, इसके साथ साथ आपके एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशंस भी आ चुके हैं। एसएससी सीपीओ का आपका नोटिफिकेशन आ गया है, एसएससी सीपीओ का आपका, तो आई होप आप क्या कहते हैं, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए। एसएससी सीपीओ की सारी क्लासेस यहाँ पे चालू हो चुकी हैं। तो एग्ज़ाम यूनिवर्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेडर टू सक्सेस, सक्सेस की राह पे हम आपको सिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिया चौधरी और अपना सेशन लेके आई हूँ आपके सामने। बहुत ही अच्छा सेशन है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है आपके सामने, बहुत अच्छी चीज़ लेके आई हूँ। तो प्लीज़ वो चीज़ आपको अभी थोड़ी देर में पता लगने वाली है, तो आप इंतज़ार करिए, दिल थाम के बैठिए। तो वो चीज़ क्या है, गेस करिए। वो चीज़ है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के आपके साथ। फिजिक्स के लिए पूरे जनरल साइंस के मैं पूरी 500 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। एसएससी टारगेटेड रहेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के आपको यहाँ पे प्रोवाइड करे जाएंगे। आपको इतना मटेरियल दे दिया जाएगा जीएस में कि आपको कोई भी जीएस मतलब साइंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है मेरी तरफ से। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस सीरीज को अच्छे से देखिएगा। पर डे आपको हर टॉपिक के कम 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे, उनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और हाँ, जो इसकी पीडीएफ है वो आपकी जो पीडीएफ है आपकी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करिए, वहाँ से इसकी पीडीएफ लीजिए। और आपके सामने सॉल्यूशन तो मैं आपके सामने करा ही रही हूँ, और कोई भी दिक्कत मेरी पीडीएफ से या फिर मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको आ रही है तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम चैनल पर मुझे कमेंट करिए, या फिर क्या कहते हैं, हमारी वीडियोस के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके प्रॉपर कमेंट्स का प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो थी बात आपके कहते हैं आज के सरप्राइज की, 500 क्वेश्चंस की सीरीज आ रही है आपकी। पूरे 500 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा, पूरे 500 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रही हूँ मैं आपके सामने। तो ये जो आपकी सीरीज रहेगी आपके किस किस के लिए यूजफुल है, तो देखते हैं हम ये आपके लिए किस किस के लिए यूजफुल है। एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है आपकी ये, आपको अच्छे से ध्यान में देना है। सीपीओ में थोड़ी फिजिक्स कम आती है, बट जो मैं कराऊंगी आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत यूजफुल है, प्रीवियस ईयर है, और हर आपको पता ही है एसएससी में प्रीवियस ईयर काफ़ी रिपीट होता है, खासकर जीएस और अदर सब्जेक्ट्स में भी। ओके, तो हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इसकी पीडीएफ आप ध्यान से टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, इसके कहते हैं सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे कराई हूँ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, तो प्लीज़ ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपके स्क्रीन के सामने, विच इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द हार्डनेस ऑफ सब्सटेंसेस इज। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका कि ऐसा कौन सा उपकरण है जो हम कहते हैं सब्सटेंस की कठोरता को नापने के लिए काम आता है। तो पहला आपका ऑप्शन क्या है, ल्यूसीमीटर, सेरेनोग्राफ, ड्यूरोमीटर और हाइग्रोमीटर। आपको ध्यान देना है, चार ऑप्शन है आपके सामने, 5 सेकंड का आपके पास समय है। बताइए इसका आंसर, हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसका आंसर, बताइए क्या है। ऐसा कौन सा उपकरण है जो हार्डनेस ऑफ सब्सटेंसेस को मेजर करने के लिए काम आता है। ओके, तो इसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर क्या है हमारा, ड्यूरोमीटर। ओके, ड्यूरोमीटर इसका आंसर है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इस ड्यूरोमीटर ही हमारे हार्डनेस ऑफ सब्सटेंसेस को मेजर करने के लिए काम आता है। इसमें एक डिवाइस होता है जिसमें कुछ नंबर इंडिकेट होते हैं, अगर हायर नंबर आता है तो आपका सब्सटेंस हार्डर होगा, ये ध्यान रखिए ठीक है। अगर आपका जो वैल्यू है वो हाई आती है तो आपका सब्सटेंस हार्डर होगा, और आपका अगर आपकी वैल्यू लो आती है तो आपका सब्सटेंस सॉफ्टर होगा। ओके, तो आपका सब्सटेंस क्या होगा,
सॉफ्टर होगा। ओके, तो किन किन को क्या कहते हैं, किन किन को क्या कहते हैं, किन किन की हार्डनेस को चेक करने के लिए आता है, जो हमारे पॉलीमर्स हैं, जो रबर हैं, रबर्स हैं हमारे, इलास्टोमर्स है, इलास्टिसिटी, जो उनके ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, उनकी हार्डनेस को चेक या सॉफ्टर, उनकी हार्डनेस को चेक करने के लिए यहाँ पे हम ड्यूरोमीटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आया इस क्वेश्चन का मतलब, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन टू क्या है हमारा, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, ह्यूमिडिटी बताइए क्या होती है ह्यूमिडिटी, और सबसे पहले इसका आंसर बाद में बताएंगे ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, लैक्टोमीटर, दूसरा क्या है पोलैरिमीटर, थर्ड क्या है थर्मोमीटर, और चौथा क्या है हाइग्रोमीटर। तो बताइए लैक्टोमीटर होगा इसका आंसर, या पोलैरिमीटर होगा, या थर्मोमीटर होगा, या हाइग्रोमीटर होगा। तो बताइए स्टूडेंट्स, 5 सेकेंड का समय है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, इसका आंसर है हमारा हाइग्रोमीटर। इसका आंसर क्या है हमारा, हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर ही ऐसा कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होता है, एक मॉइस्चर कंटेंट होता है हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरनमेंट में, और एक इसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, मेजर करने के लिए, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हमारा क्या होता है, हाइग्रोमीटर का हम यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, और क्या कहते हैं, जो जो हम सब्सटेंसेस यूज करते हैं उसमें टेम्परेचर हो या प्रेशर हो, उसमें भी क्या कहते हैं, इसको यूज करने के लिए, या जो उसका सब्सटेंस का टेम्परेचर है या प्रेशर है, उसको भी क्या कहते हैं, मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से, तो आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय, रूट प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, बैरोमीटर, दूसरा क्या है एटोमोमीटर, तीसरा क्या है मैनोमीटर, और चौथा क्या है ऑक्सेनोमीटर। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा, बैरोमीटर होगा, एटोमोमीटर होगा, मैनोमीटर होगा, या ऑक्सेनोमीटर होगा। सारे प्रीवियस ईयर हैं आपके, SSC, CHSL, CGL, CPO, हर किसी में पूछे गए हैं, 2017-18 इनमें क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, ये SSC के पूछे गए क्वेश्चन है, मैंने खुद ने नहीं बनाए हैं क्वेश्चन। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर आपका आंसर है करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। रूट प्रेशर को मेजर करने के लिए हम ऑक्सेनोमीटर का यूज करते हैं। आप ऑक्सेनोमीटर क्या होता है, जो हमारी प्लांट की ग्रोथ होती है ना, जो प्लांट की ग्रोथ एज वेल एज प्रेशर डेवलप्ड, जो प्रेशर डेवलप्ड होता है विद इन द जाइलम सेल्स या रूट्स के, जो जाइलम सेल्स होते हैं हमारे, जाइलम फाइलम आपने सुना होगा, जो फूड प्रोड्यूसिंग के लिए भी है और वाटर को क्वांटिटी के लिए फाइलम का, तो आपको अच्छे से याद होगा। ओके, तो उनके सेल्स के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और उनके क्या कहते हैं, उनकी ग्रोथ को मेजर करने के लिए हम क्या कहते हैं, ऑक्सेनोमीटर का यूज करते हैं। इसका ये मेजरमेंट होता है, यूज होता है, आपको अच्छे से समझ लीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। टैकोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर, टैकोमीटर कौन सा डिवाइस होता है जिससे हम क्या मेजर करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ग्रेविटेशनल पुल, दूसरा स्पीड ऑफ रोटेशन, थर्ड सरफेस टेंशन, या फोर्थ डिस्पर्सिव पावर। बताइए स्टूडेंट्स, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ग्रेविटेशनल पुल के लिए, स्पीड ऑफ रोटेशन के लिए, सरफेस टेंशन के लिए, या डिस्पर्सिव पावर के लिए हम इसे यूज करते हैं। बताइए स्टूडेंट्स क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा क्या आपका, स्पीड ऑफ रोटेशन। टैकोमीटर का यूज हम स्पीड ऑफ रोटेशन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे जो आपकी डिस्क होती है, ओके, जो आपकी, हाँ तो स्टूडेंट्स मैंने आपको, जो डिस्क होती है हमारी वो ऐसी कैसी होती है, इसके ऐसे रोटेशन को क्या कहते हैं, चेक करने के लिए, इसके रोटेशन को मेजर करने के लिए हम टैकोमीटर का यूज करते हैं। जो हमारी क्या कहते हैं, इसे मोटर होती है हमारी,
मोटर होती है, मोटर में जो मशीन लगी होती है, मशीन में ही मोटर चलती है, तो वो भी हमारी रोटेट करती है। उसके भी हम उसके रोटेशन को मेजर करने के लिए हम टैकोमीटर का यूज़ करते हैं। इसके क्या कहते हैं, इसका यूज़ हम क्या कहते हैं, आरपीएम को भी मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। आरपीएम क्या है, हमारा रेवोल्यूशन पर मिनट। ओके, जो हमारे रेवोल्यूशन जो पर मिनट की साइकिल को भी हमारा टैकोमीटर क्या करता है, हमारा मेजर करता है। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात आपको समझ में आई, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन 5, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। आपको पता है, जैसे मैंने अपने नोट्स में और जो कि मैंने आपको प्रीवियस में यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट का हम जो क्या कहते हैं मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, अमीटर, वोल्टमीटर, एनीमोमीटर या वॉटमीटर, बताइए बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब बहुत आसान है, अगर आपको नहीं भी पता हो तो हम ऑप्शन को हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। अब चारों ऑप्शन से जीएस का फंडा यही है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, चारों ऑप्शंस को ध्यान में देखिए और आप एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत अच्छे से आपका आंसर निकल आएगा। सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन देखती हूँ, चौथा ऑप्शन देखती हूँ, वॉट मीटर है, इसमें वॉट आ रहा है, तो वॉट तो आपको ध्यान होगा पावर की यूनिट थी, ठीक है, तो वॉट मीटर तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, एनीमोमीटर नहीं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एनीमो से कोरिलेशन नहीं करता है ये। ठीक है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में आपको वोल्ट आ रहा है, वोल्ट आपका क्या कहते हैं, किसको मेजर करने के लिए काम आता है, आपका मैग्नेटिक करंट को। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता आपका। अब बचता है आपका अमीटर, तो अमीटर, अमीटर आपका ध्यान रखते, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर में होती है। अगर आपको थोड़ी बहुत यूनिट भी याद होंगी ना, तब भी आप इसका इंस्ट्रूमेंट निकाल सकते हैं कि अमीटर एम्पियर इसकी यूनिट होती है, एम्पियर से रिलेट कर रहा है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, एमीटर होगा। ठीक है, समझ में आया ऑप्शन आपको, इसका ऑप्शन क्या होगा, अमीटर, अमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपकी जो पता है इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर्स में होती है, इससे आपने हिट एंड ट्रायल से आपने अमीटर निकाला, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अमीटर। आपको ध्यान, आपको जैसे बताइए, तो आपके थोड़े बहुत ज़्यादा करंट के लिए भी हम अमीटर का यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमारे स्मॉल करंट्स होते हैं, बहुत स्मॉल 0.0 में आते हैं जो, उनको मेज़र करने के लिए हम बहुत ही सेंसिटिव ये होता है आपका क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आपका नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर हम अपनी साइंटिफिक लैब में यूज़ करते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होता है, जिसमें हम स्मॉल करंट्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो आप ध्यान रखिए, बिग करंट के लिए अमीटर, स्मॉल करंट्स के लिए हम गैल्वेनोमीटर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, तो अपने आगे वाले सेशन में चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन सिक्स कह रहा है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर, प्रेशर को हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। जैसे ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन क्या है आपका, एनीमोमीटर, एनीरोइड बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर, फोर्थ थर्मोमीटर। ध्यान रखिए, कुछ तो आपको बता भी होंगे इसमें से, थर्मोमीटर हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर को नापने के लिए करते हैं, हाइग्रोमीटर मैंने आपको बताया ही था अभी, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। तो दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए, बचे आपके एनीमोमीटर और एनीरोइड बैरोमीटर। ठीक है, तो आप ये ध्यान लगा सकते हैं, प्रेशर की कुछ हम बार वगैरह से भी यूनिट से रिलेट करते थे, तो बैरोमीटर इज द करेक्ट आंसर। आप, मैंने क्या कहा था, आपको नहीं भी पता हो तो आप हिट इन ट्रायल से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, और वैसे ये फैक्ट हैं तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या है, एंड्रॉइड बैरोमीटर इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन टू इज करेक्ट, ऑप्शन टू आपका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंड्रॉइड बैरोमीटर का जो क्या कहते हैं हम यूज़ करते हैं, ये एक आपकी जो, वैसे तो हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं प्रेशर को नापने के लिए, वैसे आपके एटॉमिक प्रेशर को नापने के लिए हम एंड्रॉइड बैरोमीटर का भी यूज़ करते हैं, और एक मरकरी बैरोमीटर भी आता है आपका। दो तरीके के बैरोमीटर होते हैं आपके, एंड्रॉइड बैरोमीटर और आपका क्या कहते हैं,
मरकरी बैरोमीटर, दोनों ही आपके मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज़ होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। बट इनका जो बनाने का तरीका, जो इनका काम करने का तरीका है, वो थोड़ा अलग है। एंड्रॉयड बैरोमीटर एक ऐसा, वो कहते हैं, डिवाइस है जिसमें लिक्विड नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, जिसमें क्या हम क्या करते हैं, जिसमें ये इसमें लिक्विड इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, इसमें लिक्विड इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें क्या फिल होती है, एयर फिल होती है। इसमें क्या फिल होती है आपकी, एयर फिल होती है, जो कि एक्सपेंशन में काम करती है। जिस मेटल से ये एंड्रॉयड बैरोमीटर आपका बना होता है, उसमें एयर फिल कर देते हैं, और ये एक्सपेंशन में जितना ही ज़्यादा एक्सपेंड होगा, उतने ज़्यादा आपके कहते हैं प्रेशर के हिसाब से प्रेशर एक्सपेंड होगा तो आपके मेटल भी एक्सपेंड होगा, कंप्रेस होगा। तो इसके एक्सपेंशन ऑफ मेटल पर डिपेंड करता है कि इसमें क्या मेजरमेंट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इसके अंदर एयर फिल होती है, ओके। तो ये जो एंड्रॉयड बैरोमीटर है आपका, 1944 में आपका डिस्कवर किया गया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ल्यूसिन विदी। आपको बता दूं, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे ल्यूसिन विदी, ठीक है, एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे ल्यूसिन विदी, उन्होंने ये डिस्कवर किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या लिया था, एक स्मॉल फ्लेक्सिबल मेटल लिया था, स्मॉल फ्लेक्सिबल मेटल का एक बॉक्स लिया था, जो कि आपका एक बॉक्स लिया था जिसमें आपका एनरोइड सेल से वो बना था, ठीक है, जिससे हमने क्या नाम दिया था, एनरोइड सेल, स्मॉल फ्लेक्सिबल आपका मेटल था वो, जो ताकि वो एक्सपेंशन में मदद कर सके। अगर कठोर होगा तो वो एक्सपेंड नहीं होगा, अगर एक्सपेंड नहीं होगा, ओके, तो ये स्मॉल और फ्लेक्सिबल होता है। आपका समझ में आया है क्वेश्चन, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 का कह रहा है, वेंचुरी मीटर इज यूज टू मेजर, वेंचुरी मीटर को हम क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहला है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स, दूसरा है लिक्विड प्रेशर, तीसरा है आपका सरफेस टेंशन, और फोर्थ है आपका लिक्विड डेंसिटी। तो बताइए, वेंचुरी मीटर का यूज हम किस लिए करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स के लिए, लिक्विड प्रेशर के लिए, या सरफेस टेंशन, या लिक्विड डेंसिटी को। आपके पास 5 मिनट है, बताइए इसका आंसर मुझे जल्दी, कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना आंसर, कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना आंसर स्टूडेंट्स। आपका करेक्ट आंसर होगा आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ऑप्शन 1 इज करेक्ट आपका आंसर है। मतलब मैं आपको तो एक शॉर्ट पाइप जो होती है आपकी शॉर्ट, ये तो मैं आपको बड़ी सी लग रही है, बड़ी शॉर्ट पाइप में जो लिक्विड फ्लो होता है आपका, उसमें उस फ्लो को मेजर करने के लिए एक ऐसी कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं जो आपकी कनेक्ट रहती हैं, उसमें आपके क्या कहते हैं, मेजर करने के लिए आप वेंचुरी मीटर का यूज करते हैं, ओके, जो कि आपकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स को, उसके फ्लो को मेजर करती है लिक्विड्स के, ठीक है, ये हम वेंचुरी मीटर का तब यूज करते हैं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन 8 है आपका, विच एपरेटस इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इन कौन सा एपरेटस यूज किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए, लक्स मीटर, कैलोरी मीटर, एनीमोमीटर, या ऑल्टीमीटर, बताइए स्टूडेंट्स, लक्स मीटर, कैलोरी मीटर, एनीमोमीटर, या ऑल्टीमीटर। इसका आंसर है आपका लक्स मीटर, लक्स मीटर इज योर करेक्ट आंसर। आप इसको भी देखना हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी जब मैंने आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होती है, ल्यूमिनियस एमिटेंस होता है, ल्यूमिनियस एमिटेंस, इसकी जो यूनिट होती है आपकी, वो यूनिट होती है आपकी लक्स, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, लक्स, जो कि आप क्या कहते हैं, ल्यूमिनियस फ्लक्स को मेजर करने के लिए काम करते हैं, जो ल्यूमिनियस एमिटेंस होता है, जो ल्यूमिनियस फ्लक्स को मेजर करने के लिए काम करता है, और आपकी इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, लक्स होती है, ठीक है। तो आप ध्यान सकते हैं, अगर इंटेंसिटी की बात आ रही है तो लक्स से रिलेटेड बात हुई, कैलोरी मीटर तो नहीं हो सकता, ना एनीमोमीटर ना ऑल्टीमीटर, तो लक्स मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। तो
वैसे ही एक, अब किसको हम लाइट लाइट मीटर भी कहते हैं, लक्स मीटर को हम लाइट मीटर भी कहते हैं, जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात आ जाती है, ताकि जो हमारी ह्यूमन आई होती है, जो ह्यूमन आई में जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी जो रिफ्लेक्ट पड़ती है, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो यूज़ करते हैं, सपोज हम जो ह्यूमन आई है हमारी, ये हमारी आई है, इससे जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जहाँ पे टक टकरा के, इस टाइप लाइट टकरा के अपनी आँख में ही जाती है, ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इससे हम क्या करते हैं, लक्स मीटर को यूज़ करते हैं, ताकि जो जो कि हमारी आँखों में जो लाइट पड़ रही है वो किस कितनी कितनी उसकी पड़ रही है, कितनी नहीं पड़ रही है, उसको मेजर करने के लिए हम लक्स मीटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है आपका, एन इओडोमीटर मेजर्स। इओडोमीटर आपका किस चीज़ के लिए मेजर करने के लिए काम आता है, ऑप्शन बताइए इसका जल्दी से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा टाइम, तीसरा वॉल्यूम ऑफ गैसेस, या फोर्थ वेपर प्रेशर, बताइए किस चीज़ को क्या कहते हैं मेजर करने के लिए काम आता है ये। ऑप्शन क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ गैसेस। वॉल्यूम ऑफ गैसेस को मेजर करने के लिए इडियोमीटर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे जो आपके फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं, फिजिकल और जो केमिकल चेंज होते हैं, उसमें जो क्या कहते हैं गैसेस का जो मिक्सचर बनता है, या गैसेस का जो मिक्सचर बनता है, उसमें हम उसके गैसेस की वॉल्यूम को चेक करने के लिए इडोमीटर का यूज़ करते हैं। समझ में आया, जो फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं हमारे, क्या कहते हैं, चेंजेस में, केमिकल चेंजेस होते हैं, उसमें हम गैसेस के मिक्सचर की वॉल्यूम को चेक करने के लिए इडोमीटर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन क्या आंसर है, इडोमीटर किसके लिए यूज़ होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ गैसेस को चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन 10, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफिक द सन। मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम फोटोग्राफिक, मतलब सन के फोटोग्राफिक को चेक करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन 1 क्या है, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, थर्ड क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, या फोर्थ स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, बताइए। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ हम क्या करते, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, स्पेक्ट्रोमीटर, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, 5 सेकंड है आपके पास। इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स आपका स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। ठीक है, आपको पता है सन में हीलियम होती है, हीलियम गैस ही होती है, हीलियम से रिलेटेड है कुछ ये आंसर, तो आपका ऑप्शन ये होगा, हिट एंड ट्रायल लगाया हमने, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। ये आपके एस्ट्रोनॉमी में यूज़ होते हैं, एस्ट्रोनॉमी में हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ को, जो कि एक मोनोक्रोमेटिक इमेज देता है हमें सन की। क्या देता है, एक मोनोक्रोमेटिक इमेज, मोनोक्रोमेटिक इमेज देता है हमें सन की, जो कि हमारे सन के स्ट्रक्चर, सन की क्या कहते हैं लेयर्स को चेक करने के लिए हम स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का क्या करते हैं, फोटोग्राफिक इमेज प्रोवाइड करता है, उसका यूज करते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, सेक्सटेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सेक्सटेंट को हम किस इंस्ट्रूमेंट को, किस चीज के लिए यूज करते हैं, गायनोकोलॉजी, नेविगेशन, बर्थ कंट्रोल, या मेडिकल ट्रीटमेंट, बताइए। गायनोकोलॉजी के लिए, नेविगेशन के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, इसका आंसर होगा आपका नेविगेशन इज योर करेक्ट आंसर। नेविगेशन इसका करेक्ट आंसर है, जो कि क्या कहते हैं, ये भी एस्ट्रोनॉमी में ही होता है। सपोज ये एक एंगल को डिफाइन करता है, ये एक एंगल है आपका, यहाँ पे आपके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट और एक केलिस्टियल, कैलिस्टियल होता है जो आपके कैलिस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो आपके प्लैनेट, सन, क्या कहते हैं, स्टार्स वगैरह, ये सारे आपके कैलिस्टियल ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, मतलब मेट्रोइड्स, पोलरॉइड्स, ये आपके एस्ट्रोनॉमिकल, उनके बीच में एक एंगल को डिफाइन करने के लिए, और इनके कैलिस्टियल बॉडीज के नेविगेशन के एंगल को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम सेक्सटेंट का यूज करते हैं, जो कि नेविगेशन के लिए यूज होता है, ये भी आपका एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ 12th क्वेश्चन देखते हैं अपना। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पाइगोमैनोमीटर मेजर्स द ब्लड प्रेशर इन द, इतना आपको पता है कि स्पाइगोमैनोमीटर
ब्लड प्रेशर नापने की एक मशीन होती है जिससे हम अपने ब्लड प्रेशर को नापते हैं, बट ये किसकी नस, कौन सी नस होती है जिससे हम इसको नाप, जिसके प्रेशर को नापने के लिए करते हैं? वीन्स को, आर्टरीज को, आइस को या साइनोवियल को? बताइए, साइनोवियल को क्या कहते हैं, आइस को या आर्टरीज को या वीन्स को? इसका आंसर है आपका आर्टरीज। आपने सुना होगा आर्टेरियल ब्लड ब्लड प्रेशर, आर्टेरियल ब्लड ब्लड प्रेशर जो होता है आपका आर्टरीज, आपने देखा होगा हार्ट में हमारी दो तरीके की नस, दो तरीके की नस होती है, वीन्स और एक आर्टरीज। ठीक है, आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर, आर्टरीज की जो प्रेशर होता है उसको नापने के लिए, उसमें ब्लड ब्लड प्रेशर को नापने के लिए हम स्पाइगोमैनोमीटर का यूज करते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। और आपका नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 आता है आपका, 120/80 आपका नॉर्मल ब्लड ब्लड प्रेशर होता है। और जो 120/80 किसकी जो वाली, ये सिस्टोल डायस्टोल, जो सिस्टोल डायस्टोल होता है उसमें कंप्रेस होता है, एक तो एक्सपेंड होता है फिर कंप्रेस होता है, सिस्टोल डायस्टोल वही चीज़ है। ये 120/80 आपका नॉर्मल होता है, ये उसकी वैल्यूज होती हैं आपकी। ओके, तो आपका यह करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, आर्टरीज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन 13 इज व्हाट इज मेजर्ड बाय द रेस्पिरोमीटर। रेस्पिरोमीटर का हम यूज किसके लिए करते हैं, रेसिपीज टेस्ट एंड क्वालिटी किस चीज को मेजर करने के लिए करते हैं, रेसिपीज टेस्ट एंड क्वालिटी या रेट ऑफ ब्रीथिंग या इवेपोरेशन प्रोसेस या नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग, टू ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन टू इज करेक्ट होगा आपका आंसर। रेट ऑफ ब्रीथिंग को चेक करने के लिए हम रेस्पिरोमीटर का यूज करते हैं, जो कि हमारा क्या चाहिए, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 को, रेट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 के एक्सचेंज को बताने के लिए, जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन ब्रीथिंग होती है, तो उसके रेट ऑफ एक्सचेंज, मतलब हमने ऑक्सीजन और CO2 का कितनी ऑक्सीजन ली, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सचेंज करी, वो रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है आपकी, उसको मेजर करने के लिए हमारी रेस्पिरोमीटर को क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो आपका ऑप्शन रेट ऑफ ब्रीथिंग आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 14 आपका क्या कह रहा है, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर इज कॉल्ड। बताइए, ये तो बहुत आसान है, ये तो मैंने आपको अभी क्वेश्चंस में डिस्कस भी किया था। एयर प्रेशर को नापने के लिए कौन सी मशीन का यूज करते हैं हम, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर? देखिए, अगर आता भी ना हो तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा, थर्मोमीटर नहीं होगा, हाइग्रोमीटर मैंने आपको बता ही दिया है, एनीमोमीटर नहीं होगा, इसका बैरोमीटर भी होगा। सिंपल जो मैंने आपको प्रेशर वाला बताया था अभी, उसमें आपको बैरोमीटर होगा आपका। ओके, तो बैरोमीटर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, बैरोमीटर आपका आंसर करेक्ट है। तो बैरोमीटर मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के बैरोमीटर होते हैं, एक साइंटिफिक होता है, सॉरी एक सॉरी एक आपका एंड्रॉयड होता है, एक मरकरी बैरोमीटर होता है। मरकरी बैरोमीटर में भी हम एयर प्रेशर को मेजर करते हैं, उसके अंदर बस क्या होता है, एक ट्यूब होती है ऐसी, इसके अंदर हम मरकरी को क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होने की वजह से, इसलिए हम प्रेशर को नापने के लिए मरकरी वैसे एक लिक्विड होता है इसके, लेकिन डेंसिटी काफी हाई होने की वजह से इसलिए हम इसको यूज करते हैं ट्यूब में। तो मरकरी का हम यूज करते हैं इसमें, मरकरी फिल होती है इसके अंदर, इसके हाइट की वजह से, इसकी हाइट कम होगी या ज्यादा होगी, उसके बिहाफ पे हम क्या कहते हैं, मेजर करते हैं कि कितना प्रेशर एयर एटमोसफेयर में, कितना प्रेशर जनरेट है, कितना एयर प्रेशर कम है ज्यादा है, हम इस डिवाइस से मेजर करते हैं। ओके, आपको समझ में आया ये चीज, जैसे ये ट्यूब है, ये ट्यूब में मरकरी फिल है, इसमें इसकी हाइट कम होगी ज्यादा होगी उस पे बिहाफ पे क्या करते हैं, मरकरी कितना बढ़ेगा कितना कम होगा, इसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, प्रेशर को डिफाइन करते हैं, और इससे पता चलता है एटमॉस्फेयर में कितनी नमी है, बादल छाए रहेंगे, बारिश होगी कि नहीं होगी, ये हम बैरोमीटर से क्या करते हैं, उससे आइडेंटिफाई करते हैं। इसे 1643 में
डिस्कवर किया गया था इनका, जो कि साइंटिस्ट है इनकी, इवन गैलिस्टर टॉरिशीली, इवन गैलिस्टा तोरी शीली, ये आपको ध्यान रखना है नेम, तोरी शीली, इवन गैलिस्टा तोरी शीली, ये इसके साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था बैरोमीटर को। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मैंने आपको बैरोमीटर के बारे में बताया काफी, तो आपसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन, क्वेश्चन 15, एनीमोमीटर, जो कि आपका ऑप्शंस में कई बार आ रहा था कि एनीमोमीटर क्या है। एनीमो, तो एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग, बताइए क्या होगा इसका आंसर, वेलोसिटी, एयर मासेस, विंड स्पीड या टेम्परेचर। एनीमोमीटर ऐसा कौन ऐसा डिवाइस है जिसको क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं, वेलोसिटी को, एयर मासेस को, या विंड स्पीड को, या टेम्परेचर को, बताइए। इसका आंसर होगा हमारा विंड स्पीड, ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, विंड स्पीड होगा। ठीक है, इसमें इसे भी हम एनोमीटर को मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, यूज करते हैं। इससे पता चलता है कि जो कि एटमॉस्फेयर में विंड की स्पीड कितनी है, ज़्यादा है, कम है, तूफान आ सकता है, नहीं आ सकता है, मतलब एयर के मूवमेंट का पता लगाती है, कितनी स्पीड है, ज़्यादा है, कम है। इससे क्या करते हैं, फिजिस्ट भी यूज़ करते हैं, जो फिजिस्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि एयर के मूवमेंट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें, इसलिए हम फिजिस्ट भी क्या करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं। ओके, एनीमोमीटर को, तो आगे से आपको पता चल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, प्लानीमीटर इज़ यूज टू मेजर, प्लानीमीटर को हम किसे मेजर करने के लिए यूज करते हैं, हाइट ऑफ अ रीजन, डायरेक्शन, रोड डिस्टेंस या एरियाज, बताइए, हाइट ऑफ अ रीजन, डायरेक्शन, रोड डिस्टेंस या एरियाज। इसका ऑप्शन होगा आपका एरियाज, ऑप्शन फोर इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन फोर इज योर करेक्ट आंसर। इसका हम एरिया को मेजर करने के लिए हम काम करते हैं, जो कि हमारा 2D शेप के लिए यूज करते हैं हम। ओके, 2D शेप के लिए हम इसको यूज करते हैं एरियाज को, जो 2D शेप्स होती हैं उनके एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानीमीटर का यूज करते हैं। इसे हम प्लेटोमीटर भी कहते हैं, प्लेटोमीटर भी कहते हैं इसे हम। ठीक है, ध्यान रखिएगा आगे से एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे यूज करते हैं। क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ इज यूज टू मेजर द, बताइए सिस्मोग्राफ, ये तो आपको पता ही होगा कि सिस्मोग्राफ को हम किस चीज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, बताइए आपका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अर्थक्वेक, ऑप्शन टू इज योर करेक्ट आंसर, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। इसके जो सिस्मोग्राफ होता है वो वाइब्रेशंस को मेजर करता है अर्थक्वेक, वाइब्रेशंस ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक को क्या करते हैं, मेजर करने के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं सिस्मोग्राफ को। और जो इसकी स्टडी होती है उसमें जो उसको क्या कहते हैं हम, सिस्मोलॉजी, ध्यान रखिए स्टडीज वाला चैप्टर भी आएगा आपका बायो में, सिस्मोलॉजी कहते हैं इसकी स्टडी को, स्टडी ऑफ क्या कहते हैं, वाइब्रेशन ऑफ अर्थक्वेक या इनके जो, या फिर डायरेक्शन वगैरह, या फिर जो इसकी एपिसेंटर वगैरह को यूज में, उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं, अर्थक्वेक से रिलेटेड जो है तो उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। ओके, इसे हम रिचर स्केल से मेजर करते हैं, रिचर स्केल होता है ऐसा एक स्केल होता है, उसमें 0 से 9 तक इंडिकेट होते हैं, जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा अर्थक्वेक होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन 18, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज, इसको भी देखिए हम एलिमिनेट करेंगे कैसे, मैंने आपको ध्यान होगा कि डेंसिटी ऑफ मिल्क से रिलेटेड, मिल्क में एक लैक्टोप्रोटीन नाम का एक क्या होता है, एक प्रोटीन होता है लैक्टोप्रोटीन, तो लैक्टोप्रोटीन क्या होता है, तो उसमें आप लैक्टो से रिलेटेड इसका कुछ आंसर होगा, तो ऑप्शन टू इज योर करेक्ट आंसर, लैक्टोमीटर है आपका आंसर।
लैक्टोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। डेंसिटी ऑफ मिल्क को नापने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। इसमें हम हाइड्रोमीटर का भी यूज़ करते हैं जो कि आपकी स्पेसिफिक डेंसिटी होती है जो लिक्विड्स की, जिसे हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, जो कि मैंने आपको बताई भी थी, अब जो कि मैंने आपको वियरसन मेजरमेंट पढ़ाया था, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर का भी यूज़ करते हैं। तो अब ध्यान रखिए, लैक्टोमीटर का क्या कहते हैं, यूज़ होता है डेंसिटी ऑफ मिल्क को, या फिर आपकी मिल्क की प्योरिटी चेक करनी हो, ठीक है, या फिर मिल्क का डेंसिटी, तो उसको हम लैक्टोमीटर का क्या करते हैं, अपना यूज़ करते हैं। ऑप्शन 18 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 19 है आपका, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन। अपना क्वेश्चन देखिए, 19 देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ और हिल और वैली और आइसबर्ग, ठीक है। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ओशियन की डेप्थ, हिल, वैली और आइसबर्ग को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, हम इसे यूज करते हैं, तो बताइए। ये क्वेश्चन अच्छे से देखिए, देखो गैल्वेनोमीटर आपको पता ही है, ये स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए आता है, लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क, एनीमोमीटर स्पीड ऑफ विंड, तो आपका बचा क्या है लास्ट में, फादोमीटर, ठीक है। तो फादोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जो कि डेप्थ ऑफ ओशियन के हिल, वैली और आइसबर्ग को क्या करते हैं, उसकी डेप्थ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। ये जो स्पीड की जो ये जो मीटर है, ये शिप वगैरह में, सबमरीन्स वगैरह में यूज होता है, ताकि ये एक रेस छोड़ते हैं, डेल्टा वाले रेस छोड़ते हैं, मतलब ये रेस छोड़ ताकि वहाँ से एक लौट के वापस इनके पास एक रेस, तो इससे डिस्टेंस का पता चलता है, या फिर इससे उसकी डेप्थ का पता चलता है कि वो कितनी दूर पर है, कितनी दूरी पर, कितनी इसकी डेप्थ है, कितनी डेप्थ नहीं है, तो हम इसका यूज़ हम इसमें करते हैं। एक सोनार नाम की भी एक मशीन होती है जिसका नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये भी क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस छोड़ता है, वहाँ से उल्टा इसको क्या कहते हैं, रेज मिलती हैं, तो इससे पता चलता है कि कितनी चीज़ पे हमारी कोई फिश है, या फिर कोई बड़ा एनिमल है, या फिर बड़े कोई एक्वाटिक एनिमल है, या कोई भी चीज़ें उससे हमें पता चलती हैं, तो फादोमीटर का हम इससे भी यूज़ करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन ट्वेंटी क्या कह रहा है हमारा, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार इज मेजर्ड बाय अनदर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या कहते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कार में, स्कूटी, बाइक जो हमारी होती है, उसमें डिस्टेंस के लिए हम कौन सा मीटर का यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर है ओडोमीटर। ओडोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे, जैसे आपने देखा होगा बाइक वगैरह में ऐसा कुछ बना होता है जिसमें, ये देखिए ऐसा कुछ होता है जिसमें 1, 2 ऐसे करके लिखा होता है, तो इससे आपको पता चलता है कि हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो बाइक स्कूटर है, वो कितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी, कितनी उसने दूरी नापी और कितनी उसने किलोमीटर का ट्रैवल किया, तो इससे आपका ये जो मशीन होती है, उस मशीन का नाम है आपका ओडोमीटर, जो कि डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, डिस्टेंस की जो ट्रैवल किया जिसने, उसको मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए इस मशीन का उसमें लगाया जाता है। स्पीडोमीटर भी लगा होता है जो कि कार वगैरह, स्कूटर वगैरह में भी आपने देखा होगा, ऐसी एक सुई होती है जिसमें आपका यहाँ पे 60, 100 होता है यहाँ पे, फिर 400 सब कार में लगा रहता है, तो ये जो मशीन होती है वो होती है आपकी स्पीडोमीटर, जिससे आपकी जितनी कार है, स्कूटर है, कितनी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम स्पीडोमीटर को उस क्या कहते हैं डिवाइस में लगाते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो आपके मेरा लास्ट क्वेश्चन था 20, आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आपने क्या कहते हैं हमारी सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा, और मेरी जो ये 500 सीरीज़ की जो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, 500 सीरीज़ की जो मैं आपके सामने साइंस सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, आई होप आपको पसंद आ रही, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, बताइए, ताकि मैं और अच्छा अपना कंटेंट लेके बिल अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ, आप कभी नहीं भूलेंगे ऐसी चीज़ों को, और ऑप्शन हिट एंड ट्रायल से जीएस के क्वेश्चन को बताने के लिए मैं अपना बहुत अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, तो प्लीज़ उस चीज़ को मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, आपने क्या कहते हैं हमारे चैनल को वॉच किया, अगर हमारे जो 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 कि आपको सीरीज़ पसंद आ रही है, या फिर क्या कहते हैं मेरे साथ आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ही बताइए जो कि हमारी कॉम्पिटिशन की SSC की तैयारी कर रहे हैं, और ताकि और ऐसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको बताइए, और उनको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान रखिए, और फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय।